नमस्कार। कानात आणि डोळ्यात चार बोटाचं अंतर असतं असं म्हणतात। खरं तर आज हा व्हिडिओ करताना भीती वाटते आहे। पुढे काही दोन तीन दृश्य मी तुम्हाला दाखवणार आहे, ती दृश्य बघा आणि तुम्ही ठरवा तुम्हाला काय वाटतंय ते। मुसलमानों की हिफाजत फरमा, अमित शाह को चीरे पड़ो, उसे लकवा मारो, उसका घर बर्बाद हो, उसका खानदान तबाह हो, बीजेपी सरकार बर्बाद हो, उनका पूरा खानदान तबाह हो, हमारे मुसलमानों की दुआ कबूल हो। अमित शाह को लकवा मारो, मोदी को फांसी मारो, उसे तेरा नमूने की बीमारी आओ। हमारी जबान की आतिशबाजी का मुकाबला ये नहीं कर सकते, याद रखना मेरी इस बात को। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला, मां बहनों को आगे भेज दिया, खुद ब्लैंकेट पर बैठ गए। अरे भाई, अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। कोई भी आरएसएस वाले कोई भी हमारा ताल भी बिंगा नहीं करता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? सौ सुनार की तो एक लोहार की, 15 मिनट ऐसा जर्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। अरे ये हिम्मत है, अरे खुदा। पहले ही सगळी दृश्य पाहिली, थोडीशी भीती वाटते। भीती वाटलीच पाहिजे, कारण ही विकृती वाढते आहे, या विकृतीचं धाडस देखील वाढतंय। म्हणजे तरी देखील आम्ही कसं असलं पाहिजे यावर अनेक जण मार्गदर्शन करतात आणि म्हणतात की आम्ही बायस आहोत। हो आम्ही बायस आहोत, आम्ही आमचे विषय मांडतो, कारण आमची नेते मंडळी सुद्धा आता या लोकांना महत्व देण्याच्या नादामध्ये नको त्या मागण्या करू लागली आहेत। मंडळी, जगातल्या सगळ्या बहुसंख्य समाजाला अल्पसंख्याकांशी तडजोड करावी लागते हे खरं असलं तरी इतकी तडजोड करावी लागावी हे मात्र खूप वाईट आहे। तुम्ही ठरवा, पेटून उठा असं म्हणत नाही, काही बंड करा असंही म्हणत नाही, पण विचार मात्र नक्कीच करा।